हे गाइस, वेलकम बैक। और आप ये थंबनेल से ही समझ गए होंगे आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली आज हम थोड़ा सा, एक टॉपर हैं टीना डाबी, आपने नाम सुना होगा, तो इनके हम कुछ आंसर्स देखेंगे। आज एक ऐसे को एनालाइज करेंगे कि कैसे लिखती थी अपने आंसर्स और कितना जो है ब्यूटीफुली अपने तरीके से जो है लिख के, जो अपने प्रेजेंटेशन है, कैसे इतना अच्छे से प्रेजेंट कर पाती थी, कैसे जो अपने कनेक्टिविटी मेंटेन करती थी, राइट? तो इस पार्ट में हम यही देखेंगे, ठीक है? चलिए, लेकिन देखिए, इससे पहले मैं बता देता हूँ, आज हम जो है इनका, जो इन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ है एक कोचिंग सेंटर में, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, हम ऐसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है? ऐसे के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इन्होंने लिखा है, और ऐसे के जो है हेडलाइन जो है ये पूरा नीचे लिखी हुई है, जो टॉपिक है कि कोल्ड वॉर इज ओवर बट कोल्ड वॉर थिंकिंग सर्वाइव्स, यानी कि जो शीत युद्ध था, ठीक है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है आज भी जो है ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, यानी कि आज भी उसकी जो कोल्ड वॉर की जो एक तरह से स्ट्रेटेजी है या थिंकिंग है, वो भी आज भी दिखाई दे रही है। चाहे डायरेक्टली जो कोल्ड वॉर जिसको बोला जा रहा था, जो यूएसएसआर और रशिया, सॉरी, यूएस के बीच में था, तो वो खत्म हो गया, लेकिन उसकी थिंकिंग आज भी बरकरार है। तो आपको देखिए ये चीज तो लिखेंगे हम, इससे पहले देखिए कंटेंट तो पता होना चाहिए। मैं द हिंदू आपको रोज पढ़ाता हूँ, तो उससे चीजें तो जो आज देखिए जो चीजें मैं बताऊंगा ना, ये सब चीजें मैं द हिंदू के अंदर बता चुका हूँ आपको, सब चीजें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज मैं इस, जो इन्होंने, टीना डाबी ने ऐसे के अंदर लिखा हुआ है, वो कुछ अलग है, और इवन मैं उसमें कुछ एड ऑन भी करूंगा कुछ चीजें आपके लिए जो अभी रिसेंट हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कितना तरीके से आपको लिखना है ये बहुत जरूरी है आना। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ऐसे में तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद होता है बॉडी पार्ट, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट, और उसके बाद होता है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो देखिए इन चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कंक्लूजन में आप क्या करते हैं, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं ऐसे के ऊपर, और बीच बीच में देखिए इस तरह के जो टॉपर्स के जो आंसर्स है इसको हम देखते रहेंगे, इससे जो हमें पता लगता रहेगा क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। आप मेरी एक महीने की जो है ना द हिंदू की वीडियो उठा के देखिए, ठीक है, उससे देखिए कंपेयर कीजिए कि क्या हम जो जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के आंसर्स जो है टॉपर्स दे रहे हैं, क्या हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं या वही चीज पढ़ रहे हैं। सिर्फ जो पढ़ रहे हैं हम उसको कैसे जो है अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, कितना तरीके से कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है एक सिलेक्शन लेने में और ना लेने में, राइट? तो देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जो आपको टॉपिक दिया है इसी को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, एक पैरा या दो पैरा के अंदर इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, किया जाता है कि जो आप, जो स्टेटमेंट बोली गई है ऐसे की उसको कैसे लिखना है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स में देखिए हर, देखिए एक चीज याद रखिए, जब भी आप पैराग्राफ खत्म करते हैं तो जो आपका जो टॉपिक है वो उस पैराग्राफ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं जो है वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और टीना डाबी के आंसर्स में देखिए यही दिखाई देगा कि हर जो, जब पैराग्राफ खत्म होगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे या कौन सा टॉपिक चल रहा था। और टॉपिक क्या है आज का, जैसे कोल्ड वॉर इज ओवर बट कोल्ड वॉर थिंकिंग इज थिंकिंग सर्वाइव्स। हर आपको पैराग्राफ के बाद चीज, ये चीज मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे जो है जो ये बोलना चाह रही है वो कैसे टॉपिक से रिलेट कर रहा है। बॉडी पार्ट में देखिए ऐसे ही होता है, अलग अलग फैक्ट्स जो हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप वो भी प्रेजेंट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। और फाइनली होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप फिर रिपीट करते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन देखिए अगर स्टेटमेंट नेगेटिव भी है, यहाँ पे क्या है, कोल्ड वॉर की बात हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं वॉर की बात हो रही है, तो एक तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैसे जो है इसको पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से आपको एंड करना पड़ेगा। और फाइनली यही बताना पड़ेगा कि जो आप टॉपिक में कहना चाहते थे ये चीजें तो मैंने समझा ही दी है, साथ में मैंने पॉजिटिव कंक्लूजन भी दे दिया है। तो ये ऐसे का एक फॉर्मेट होता है, जस्ट बेसिक बताया है, कभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है? क्योंकि जितनी बार भी मैंने मेंस दिया है तो मुझे जो है हमेशा जो है 50% से ज्यादा ही मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा ही मार्क्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीजें बता सकता हूं कैसे जो है इंप्रूव करना है आपको, राइट? चलिए देखिए इनका जो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, टॉपिक क्या था कि शीत युद्ध जो है वो तो खत्म हो गया 1990s में, आपको पता है शीत युद्ध जो है खत्म हो गया था, और यूएसए जो है उसकी हैगेमनी हो गई थी, एक तरह से यूएस जो है कोल्ड वॉर को भी जीत गया था, और उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, ठीक है, यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और बाद में क्या बन गया, रशिया, रशिया बन गया था, और जो अलग अलग कंट्रीज थे तो वो कंट्रीज अलग हो गए थे, यूएसएसआर जो
कोएलिशन था वो अलग हो गया था, ठीक है। तो रशिया जो रशिया बन गया और यूएस की जो है एक तरह से यूएस जो है सुपर पावर रह गया पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसके बाद भी कैसे जो है आज भी जो कोल्ड वॉर की जो थिंकिंग है वो आज भी सर्वाइव करती है, इसमें पूरा ये डिफाइन करना है। देखिए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी तो इन्होंने कहीं ना कहीं वहीं से शुरू की चीजें, तो आप जो है किसी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन जो है उस चीज की तरफ बार बार इशारा करना चाहिए जो आपका टॉपिक है। ये देखिए एक जो है फेमस एक तरह से पर्सनैलिटी का नाम लेती है, बोलती है फ्रांसिस फुकुयामा। देखिए आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं है तो ये चीजें आपको नहीं पता होगी, कोई बात नहीं ये चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं फ्रांसिस फुकुयामा जो फेमसली प्रोक्लेम्ड, उन्होंने क्या कहा था कि डिसइंटीग्रेशन जो हुआ है यूएसएसआर का 1991 में, ये एक तरह से एंड ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही रिलेट कर रहा है जो बात हो रही है जो टॉपिक से रिगार्डिंग। इन्होंने फिर इसके बाद बोला ही प्रोक्लेम्ड दैट द हिस्ट्री ऑफ टू सुपर पावर कंपीटिंग फॉर हेगिमनी। हेगिमनी क्या होता है, एक तरह से अपना ही पावर को जो है अपना वर्चस्व जो इसको कह सकते हैं कि ही प्रोक्लेम्ड द हिस्ट्री ऑफ टू सुपर पावर कंपीटिंग फॉर हेगिमनी इन द वर्ल्ड अफेयर हैज कम टू एन एंड। यानी कि जो हेगिमनी थी दो सुपर पावर की वो जो है खत्म हो गई, और किसकी जीत हुई आखिर में, यूएसए की, राइट। ये कह रहे हैं उसके बाद फुकुयामा ने क्या कहा, उनका असेसमेंट क्या था, ये देखिए जो इन्होंने असेसमेंट दिया ये गलत हो गया। कैसे, क्योंकि ये बताते हैं कि अगर किसी एक मॉन्स्टर हाइड्रा, एक हाइड्रा होता है अगर उसके जो है एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि हाइड्रा को अगर काट भी दिया जाए, उसके हेड को अगर काट दिया जाए, ये अगर हाइड्रा है ठीक है, इसके हेड को अगर काट दिया जाए तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट इसकी एक तरह से अलग अलग जो हेड निकल आते हैं और वो अगली हेड होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने रिलेट किया इस चीज को, ये बोला कि देखिए कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया जिसमें डायरेक्टली जो है एक तरह से लड़ाई हो रही थी, लेकिन छोटे छोटे और जो है मॉन्स्टर जो है और जो पावर्स हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं एक डेंजरस जो है मैनिफेस्टेशन देखने को मिली। ये कहते हैं कोल्ड वॉर वाज मार्क्ड बाय हाईलाइटिंग सॉरी हाँ, हाइटनिंग टेंशन। ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर जो है एक तरह से उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा थी, सस्पिशियंस रहते थे, आर्म रेस हुई, उसके बाद न्यूक्लियर आर्म्स जो है वो भी रेस हुई, न्यूक्लियर आर्म्स की रेस भी बड़ी, स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी देखने को मिली। यानी कि पावर जो है दो पावर में डिवाइड होगी कि जो है यूएसएसआर के पास जाना है या फिर रशिया सॉरी यूएस के पास जाना है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं वर्ल्ड गेटिंग डिवाइडेड इंटू टू एग्नोस्टिक मिलिट्री कैंप, दो जो पूरे मिलिट्री कैंप्स है चाहे वो यूएसओ और यूएसएसआर हो, उसमें जो है पूरा वर्ल्ड बट गया था। बाइपोलर तो है एक तरह से आइडियोलॉजी, स्ट्रेटेजिक और जो सारी सिंपल आइडियोलॉजीज हैं वो सब उसमें डिवाइड हो गई। ये कह रहे हैं इसके बाद टीना डाबी देखिए क्या लिखती है, बोलती है हाउएवर ऑल, देखिए पहले स्टेटमेंट भी उन्होंने यही लिखा कि ये चीज खत्म नहीं हुई है, हाइड्रा का जो एग्जाम्पल देके कहा। फिर ये कह रही है कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, बाइपोलैरिटी थी, अलग अलग आर्म रेसिस जो है निकल के आई, टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ ये जो है आर्म जो नॉर्मल वर्ल्ड वार सॉरी कोल्ड वार तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसकी जो थिंकिंग थी डायरेक्ट जो कन्फ्रंट्रेशन थी वो तो कम हो गई, लेकिन जो है नॉर्मल जो और जो कोल्ड वार की जो सिचुएशंस थी इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं फिर से वॉर देखने को मिला। ये कहते हैं यूएस और यूएसएसआर की बात करें उसका जो आज भी जो है प्रोक्सी वॉर्स देखने को मिलते हैं और वो आज पूरे ग्लोब पे फैल गए हैं। प्रोक्सी वॉर क्या होता है, देखिए इस कंट्री में लड़ रही है मान लो यूएस और रशिया, अब ये डायरेक्टली नहीं लड़ते, यानी कि एक एक पावर कैंप को रशिया भड़काएगा, दूसरे को जो है दूसरे को सपोर्ट करेगा यूएस, तो ये इस कंट्री में जो है एक तरह से प्रोक्सी वॉर हो जाता है। चाहे इसका एग्जाम्पल आप बहुत से जो कंट्रीज ले सकते हैं, सीरिया इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यमन में देख चुके सकते हैं, सीरिया में क्या हुआ यूएस और रशिया के बीच में, यमन में क्या हुआ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, ये तो मैं काफी बार आपको चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरह कह रहे हैं प्रोक्सी वॉर जो है देखने को मिला है। देखिए फिर से वही चीज रिपीट करिए जो स्टेटमेंट भी थी, थर्ड पैराग्राफ में भी वही चीजें रिपीट होगी। ये कहती है स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री जो थिंकिंग है वो आज भी जो है सर्वाइव कर रही है। ये कह रहे हैं ये सिर्फ यूएस और रशिया के बीच में नहीं है, या फिर जिसको पहले यूएसएसआर था, आज ये डिफरेंट जो पावर्स हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं, वो भी निकल के आ गए हैं। ये कह रहे हैं दिस कोल्ड वॉर थिंकिंग कैन बी फाउंड एट बोथ द इंटरनेशनल लेवल एज वेल एज रीजनल लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलती है, रीजनल लेवल में भी आज भी ये थिंकिंग देखने को मिलती है। ये कहते हैं
दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज नाइदर स्टेटिकली यूनिपोलर, ये कहती है कि जो वर्ल्ड है वो ना तो यूनिपोलर है यानी कि एक किसी की पावर हो चाहे यूएस हो या किसी की भी, ना मल्टीपोलर है कि जो है पावर्स जो है अलग सब यानी कि ग्रेट पावर्स बहुत ज़्यादा ग्रेट पावर्स है, ये कह रही है आज भी जो वर्ल्ड है वो बीच में ही है यानी कि ना तो जो है यूनिपोलर है ना जो है एक तरह से मल्टीपोलर है, इसके कहीं ना कहीं बीच में ही पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो देखिए कितना ब्यूटीफुली तरीके से लिख रही है, ये कहती है टूडेज वर्ल्ड इज ए वॉर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वेयर डिफरेंट कंट्रीज आर अप्लाइंग कोल्ड वॉर थिंकिंग ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकल एंड मिलिट्रिकल एज ओवर ईच अदर। फिर से वही बात रिपीट कर दी जो स्टेटमेंट में दी हुई थी कि हर कंट्री जो है डिफरेंट कंट्रीज जो है वो कोल्ड वॉर की जो थिंकिंग है उसको अपना रही है चाहे स्ट्रेटेजिकल हो मिलिट्रिकल एंगल से हो, और ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वॉर नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वॉर नहीं देखने को मिल रहा। ये कहते हैं दिस इज बिकॉज ए डायरेक्ट वॉर इज एन एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वुड प्रोड्यूस नो क्लियर विनर। ये कह रहे हैं आज जो है अगर वॉर हो भी जाता है डायरेक्ट तो उसमें कोई सबको पता है कि आज ऐसा नहीं है कि एक कंट्री डिवाइडेड है, एक कंट्री में कुछ वॉर होता है तो दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट करती है, तो इस वजह से क्लियर विनर कोई नहीं होगा, कोई क्लियर लूजर कोई नहीं होगा, बट म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन दोनों ही जो भी अगर डायरेक्ट वॉर होता है तो सबका ही नुकसान होगा, तो इस वजह से डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा जा रहा है। ये कह रहे हैं एट द इंटरनेशनल लेवल कोल्ड वॉर थिंकिंग स्टिल एग्जिस्ट, ये कह रहे हैं लेकिन कोल्ड वॉर की थिंकिंग जो है आज भी एग्जिस्ट है चाहे वो यूएस हो या रशिया हो। राइट, दिस इज बिकॉज द यूएसए नेवर एक्सेप्टेड रशिया एज ए सक्सेसर ऑफ ग्रेट एम्पायर। अब देखिए पहले इन्होंने बताया कि क्यों जो है कोल्ड वॉर की थिंकिंग चल रही है आज भी। राइट, अब ये यही बात बता रही है कि जो यूएस आज भी जो है थिंकिंग ये क्यों जो इंटरनेशनल लेवल पे कोल्ड वॉर की थिंकिंग जो एग्जिस्ट क्यों करती है, फिर से वही चीज़ बता रही है। ये बता रही है क्योंकि देखिए यूएस भी कभी भी रशिया को नहीं चाहता कि वो एक जो है सक्सेसफुल पावर बने, बट एज ए डिफीटेड नेशन, ठीक है, दिस इज ए ट्रीटमेंट हैज प्रोवोक्ड रशिया। अगर रशिया देखिए ये चीज़ मान के चलेगा कि हमें जो है हम एक तरह से हार गए हैं तो उनको भी वो भी प्रोवोक हो रहे हैं, इससे जो है उनको जो एक तरह से नेगेटिव फीलिंग आती है और इस वजह से वो कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता रहता है यूएस की जो हेगेमनी है। देखिए यूएस की हेगेमनी तो अब नहीं रही है डेन की, कहीं ना कहीं चाइना बहुत ज़्यादा इमर्ज कर गया आपको पता है, तो उस चाइना की जो है देखिए चाइना की पावर को कंट्रोल करने की जैसे ट्रेड वॉर है अभी, अगर देखिए उस टाइम इन्होंने आंसर लिखे जब ट्रेड वॉर का कॉन्सेप्ट नहीं था, आज ट्रेड वॉर हो गया आप इस चीज को लिख सकते हैं, उस टाइम इन्होंने यमन का जो है एग्जाम्पल नहीं दिया, सीरिया का एग्जाम्पल ये देंगी तो आप यमन का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो मैंने प्रॉपरली आपको समझाया कैसे जो है कोल्ड वॉर चल रहा है वहां पे। ठीक है, कोल्ड वॉर की जो स्ट्रेटेजी है वो देखने को मिली है। ये कहते हैं राइट फ्रॉम टेकिंग म्यूचुअली अपोजिट स्टांसिस एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये कह रहे हैं देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दोनों के स्टांसिस वो अलग होते हैं। ये कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें देखने को मिला है जैसे सीरिया का जो सिविल वॉर हुआ, ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको देखिए रशिया जो है उससे यूएस जो है उससे अलग हो गया, रशिया जो आज भी सपोर्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं जो अलग अलग जो थिएटर्स है ठीक है इसमें ये जो ग्लोबल पावर से ये अलग अलग जो है अपना स्टांस लेती है। यूक्रेन का भी पूरा एग्जाम्पल देती है, यूक्रेन का केस आपको पता है यूक्रेन में क्या हुआ था, देखिए यूक्रेन जब यूक्रेन जो है ऐसा माना जा रहा था कि नाटो को ज्वाइन कर लेगा ठीक है, और इसी पावर को डरते हुए जो है रशिया को लगा, जैसे यहाँ यूक्रेन है और यहाँ देखिए रशिया है ठीक है, रशिया को लगा कि जो है अगर ये नाटो से हो गया तो हमारे बॉर्डर के ऊपर खतरा रहेगा, तो रशिया ने क्या किया यहाँ पे जो है कुछ तत्व ऐसे थे जो यूक्रेन के अगेंस्ट थे तो उनको जो भड़काना शुरू कर दिया, और जो इनके एक पार्ट था क्रीमिया उस पर कब्जा कर लिया रशिया ने। राइट, जो वहाँ पे इलेक्शन कराया रेफरेंडम कराया और उनको लगा कि देखिए ये पार्ट जो है यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहता, ये रशिया के साथ रहना चाहता है, क्योंकि ये रशिया के साथ लगता भी था और कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी थे, तो इनको लगा कि जो है इस तरह जो है अपनी पावर को बचाया जा सकता है, रशिया को ऐसा लगा। तो ये कह रहे हैं इस तरह की जो हेगिमनी है उसके एम्बिशन जो है वो आज भी चलते जा रहे हैं। हेगिमनी का क्या होता है, मतलब कि जो अपनी पावर को जो है एक तरह से अपना वर्चस्व बना के रखे। ठीक है, ये कहते हैं स्पेशल मेंशन नीड टू बी मेड ऑफ द वेरियस थिएटर, अब ये कह रहे हैं कुछ अलग अलग चीजों के बारे में हम बता देते हैं कैसे जो है कोलाइड हो रही हैं डिफरेंट पावर्स जो है। ये कह रहे हैं सिस्टम ऑफ बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस वाया इंस्टॉलिंग रिजीम्स फ्रेंडली, देखिए ये इंडिया में भी आप बोल सकते हैं, इंडिया ने क्या किया, इंडिया को लग रहा था कि नेपाल के अंदर जो है इंडिया की जो मदेशी इंडिया कम्युनिटी है जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो इंडिया ने उन लोगों को भड़काया। देखिए नेचुरल है ये चीज, आप डायरेक्टली इंडिया को नहीं लिख सकते लेकिन समझने के लिए श्रीलंका का केस देखिए, श्रीलंका के केस में जो है इंडिया के बिहाफ पे आप लिखे हैं तो श्रीलंका के जो पहले प्रेसिडेंट थे ठीक है राजेपक्सा, वो कहीं ना कहीं चाइना की सपोर्ट में हो गए, तो हमने जो नए पीएम आए विक्रमसिंघे हमने उसको सपोर्ट किया, डायरेक्टली हम देखिए कुछ नहीं बोला लेकिन ये बात सबको पता है। ठीक है, मालदीव्स के अंदर देख लीजिए आप, मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट अभी सोले जो इंडिया के अंदर आए, पहले जो वहां के
प्रेसिडेंट थे इंड, वो प्रो चाइना थे और हम भी जो है कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो ऐसी जगह चीज़ें देखने को मिलती है, जो पावर्स हैं वो अपनी चाहती है कि उस तरह के रिजीम जो इंस्टॉल की जाए उस कंट्री में जो उनके लिए फ्रेंडली हो, ठीक है, ओबलाइजिंग टू वंस हेगेमनी एम्बिशन, जो उनकी एम्बिशंस को आगे बढ़ा सके कंटिन्यूस। फॉर इंस्टेंस 2008 में देखिए रशिया और जॉर्जिया का केस बताते हैं, रशिया इन्वेडेड जॉर्जिया टू प्रिवेंट फ्रॉम ज्वाइनिंग टू यूएस बैक्ड नाटो। जॉर्जिया पे जो है इन्वेजन किया, क्यों किया, क्योंकि जो है ये नाटो को ज्वाइन कर रही थी। रशिया देन इंश्योर्ड दैट द रिजीम ऑफ जॉर्जिया वुड कंटिन्यू टू बी अंडर रशिया स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और जॉर्जिया को कहीं ना कहीं अपने जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें लेके आ गए। यूक्रेन का क्राइसिस ये बता रहे हैं 2013 से 2014 के बीच में जो हुआ, जो मैंने बता दिया आपको कि देखिए यूएस और ईयू ने जो है इसको कोशिश किया यूक्रेन को कि वो जो है ईयू को ज्वाइन कर ले और नाटो को ज्वाइन कर ले, इससे रशिया जो है भड़क गया। रशिया ने देखिए वहाँ के जो प्रो रशियन रिबेल्स थे उनको जो है यूक्रेन में जो भड़काया, और उससे जो है यूएस भी इसमें क्राइसिस में कूद गया, वेस्टर्न जो सिंपथाइजर थे वो यूक्रेन को सपोर्ट करने लगे, और फाइनली क्या हुआ, यूक्रेन जो है क्रीमिया पे कब्जा कर दिया और जो अपनी हेगेमनी जताने की पूरी कोशिश की, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए बर्लिन वॉर भी ऐसे ही इरेक्ट हुआ था, और जो 1961 की बात करते हैं, और उसके बाद आखिर में जो है उसको टूटना ही पड़ा, और इसमें भी जो है दो अलग अलग जो पावर्स थी वो अपनी इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए हर हर पैराग्राफ में आपको वो चीज नजर आएगी जो स्टेटमेंट कहना चाह रही थी, ठीक है, जो स्टेटमेंट थी कि कोल्ड वॉर आज भी खत्म नहीं हुआ है, उसकी जो डायरेक्टली खत्म हो गया, लेकिन उसका जो थिंकिंग है वो आज भी चलती आ रही है। फिर एग्जाम्पल देती है यूक्रेन का, उसके बाद ये सीरिया क्राइसिस का, सीरियन क्राइसिस का जो एग्जाम्पल देती है 2012 की बात करती है कि ये देखिए उस समय क्या हुआ कि रशिया जो है असद गवर्नमेंट जो वहां पे थी उसको गिराना चाहती थी, ठीक है, तो उसने जो एंटी असद रिजीम थी उसको सपोर्ट किया। रशिया ने क्या किया, रशिया असद गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी तो उसने एंटी जो असद रिजीम्स थी इनके ऊपर जो है, या फिर जो मिलिटेंट थे उनके ऊपर स्ट्राइक्स की। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये तो हमने बात कर रहे हैं यूएस और रशिया की, ठीक है, जो आज भी चलती आ रही। इसके अलावा ये कहते हैं यूएस और रशिया के अलावा भी अगर बात करें तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इस तरह हेगेमनी के जमाने की कोशिश हो रही है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये देखिए कनेक्टिविटी कैसी अच्छे से की है उन्होंने, ये कह रहे हैं यूएस और चाइना का देख लीजिए अभी, ठीक है, यूएस और चाइना जो हैव नॉट कम डायरेक्टली, ये डायरेक्टली जो आसपास भी नहीं है लेकिन जो इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि यूएस चाइना इन्वॉल्व इन गेटिंग अहेड ऑफ ईच अदर, दोनों कोशिश करें, चाइना देखिए कोशिश कर रहा है कि यूएस को पीछे छोड़ दे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मिलिट्री एकम्प्लिशमेंट में, और मेंटेनिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द नेशन ऑफ अदर। देखिए ये आपको पता है कि एशिया के अंदर जो है ये माना जाता है कि धीरे धीरे चाइना बढ़ रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने कौन सी स्ट्रेटेजी लेके आए, एशिया पिवोट पॉलिसी, ताकि जो है एशिया के अंदर ही देखिए उनका पूरा भी इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी आपको पता ही है एशिया पैसिफिक के अंदर, जैसे इंडिया को सपोर्ट करता है यूएस ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, ये कह रहे हैं एशिया पैसिफिक के रीजन में भी यही चीज देखने को मिलती है, राइट। इसके बाद देखिए एग्जांपल देते हैं कि देखिए चाइना के जो नेबर्स हैं, ठीक है, नेबरहुड में है, चाहे इंडिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, या फिर तो इनके साथ जो है यूएस कोशिश करता है कि अपने जो है अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करे ताकि जो है चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है। और चाइना जो है मैसिव जो है मॉनेटरी असिस्टेंस भी देता है, इन्वेस्ट भी करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसके आसपास की कंट्रीज हैं। और इसके अलावा देखिए ये कहते हैं वन वन रोड वन बेल्ट जो ओबीआर जो प्रोजेक्ट चला रही है, ठीक है, कौन, चाइना, वो भी इससे कोशिश कर रही है कि जो आईएमएफ को काउंटर कर सके, वर्ल्ड बैंक को काउंटर कर सके, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इनको काउंटर कर सके, या ब्रिक्स का जो नया बैंक है इसको भी जो है काउंटर कर, इसको भी जो यूज करके एक तरह से, जो आपको पता है वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी है, सीपैक को आप देख लीजिए, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, तो इस तरह की चीज बताते हैं। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि चाइना भी अपनी जो है हेगेमनी कोशिश कर रहा है वर्ल्ड अफेयर में जो है अपना अच्छे से नाम करने के लिए। ये कह रहे हैं न्यूक्लियर रेस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चली हुई है इसको भी जो है अलग अलग जो है कंट्री जो है हवा देती है कहीं ना कहीं, ठीक है, चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इंडिया को सपोर्ट मिलता है रशिया से तो है ही, यूएसए भी सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें, ये तो सच है कि जो है डायरेक्टली वॉर होगा नहीं, क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो इस तरह की जो है कुछ कुछ जो यानी कि पॉलिसी जो है अपनाई हुई है दोनों कंट्रीज ने, लेकिन हेगेमनी जमाने की जो एम्बिशंस हैं
वो सबके ही चलते आ रहे हैं, वो आज तक भी चलते आ रहे हैं चाहे कोल्ड वॉर खत्म हो गया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी के बारे में बताती है, कैसे जो है चाइना इंडिया को जो है चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गवदार पोर्ट हो, चाहे बांग्लादेश में पोर्ट हो, या फिर या श्रीलंका के पोर्ट्स हो। तो इस तरह जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा देखिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अगर चाइना है तो चाइना के ऊपर जो मंगोलिया है, इधर जो साउथ कोरिया है, या फिर आपका जो वियतनाम है, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और अफगानिस्तान में तो यहाँ ही, ताकि जो है कहीं ना कहीं हम भी चाइना को काउंटर कर सकें, राइट। तो इस तरह की चीज़ें बताते हैं, ये कहते हैं चाहे अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे प्रोजेक्ट मौसम है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना की जो सिमिलर स्ट्रेटेजी, उसी को जो है काउंटर करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, राइट। फिर ये बताती है कि देखिए मिडिल ईस्ट में तो ये हो ही रहा है, मिडिल ईस्ट में तो हम देख ही चुके, ईरान और इसराइल है वो दोनों के अगेंस्ट है। इसराइल को यूएस सपोर्ट करता है, ईरान को जो है रशिया कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। ईरान के ऊपर सेंक्शन लगा रहा है यूएस, क्यों लगा रहा है, ताकि जो ईरान को जो काउंटर किया जा सके, ईरान को दबाया जा सके, राइट। और जो पूरी आपको पता है कि जो डील हुई थी न्यूक्लियर डील ईरान के साथ, वो भी जो है ट्रंप ने जो है कैंसिल कर दी, किसके दबाव में, वो इसराइल के दबाव में। तो यही बात ये बताते हैं कि देखिए ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, तो ईरान को यूज़ करता है कहीं ना कहीं जो है, ईरान के साथ सपोर्ट में आता है चाइना या फिर रशिया, लेकिन सऊदी अरेबिया की सपोर्ट में कौन है, यूएस। और इसी जो है जमाल खशोगी के जो है एक तरह से डेथ कराने के बाद भी यमन के अंदर भी वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर ये कह रहे हैं इस तरह के प्रॉक्सी वॉर चलते ही आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अपनी हेगेमनी आज भी जमाने की कोशिश की जा रही है, और ये कह रहे हैं ये आज दो पावर्स जो हैं उसके बीच में नहीं रह गया है, ये डिफरेंट एक्टर्स निकल के आ रहे हैं, फिर वही वही बातों को रिपीट किया जा रहा है। हर जो है एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के साथ जो अपनी स्टेटमेंट है उसको रिपीट किया, फिर एक एग्जाम्पल दिया, अपने एग्जाम्पल के साथ जो है स्टेटमेंट है उसको रिपीट किया। तो यही बात कह रहे हैं कि देखिए ये चीजें जो है चलती ही आ रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। फाइनली देखिए अभी करना क्या है, जब ऐसे आप खत्म करेंगे तो एक तरह से जो है आपको पॉजिटिव तरीके से लिखना है फिर से, लेकिन थोड़ा सा ये बताते हैं, देखिए कोल्ड वॉर की जो थिंकिंग है वो डायरेक्टली मिलिट्री वॉर तो उसमें नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड जो वॉर है, ठीक है, इसकी जो टेंशन्स है वो हमेशा बनी रहती है, इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते कि जो है तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन चांसेस कम है, जो प्रोक्सी वॉर से वो ज़्यादा लड़े जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें तो आज भी यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसका दुख रशिया को आज भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताते हुए ये जो है पूरा ऐसे को आगे ले जाती है। इसके अलावा कहते हैं देखिए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एज आ गई है, यानी कि कोई कंट्री किसी के साथ है, उसका कुछ कुछ लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह जो है ये म्यूचुअली बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सभी कंट्री के लिए। अब देखिए पॉजिटिव तरीके से बताती है, कहती है जो है कंट्री है उनको प्रोग्रेस करना चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, उनको जो अपनी थिंकिंग को जो है, अब देखिए पॉजिटिव आ गया, अब कंक्लूजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्ट्रैटेजी जो है उसको ऐसा अटेन करना चाहिए कि सभी का बेनिफिट हो, राइट। ये कह रहे हैं एक नए तरीके से जो है सोचना पड़ेगा, कैसे जो है, ये कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सभी के पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, सभी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है, सभी को गेन हो सकता है, सभी जो है ग्रेट पावर अचीव कर सकती है, लेकिन जो ये कोल्ड वॉर की स्ट्रेटेजी और थिंकिंग है इसको अपनी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन में वही चीज जो दोहराई, इन्होंने बॉडी पार्ट के अंदर भी एक चीज को बार बार दोहराया लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल लेके, और कंक्लूजन में भी जो है इन्होंने बात तो दोहराई, साथ में जो है पॉजिटिव कंक्लूजन दिया कि कैसे जो है पॉजिटिव तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो यही जो होता है ऐसे पूरा होता है, इस तरह हम जो है कुछ कुछ ऐसे लेके या फिर क्वेश्चंस भी लेंगे हम, ठीक है, चार पांच क्वेश्चंस ले लिया करेंगे, और उससे हमें जो है थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा किस तरह हमें चीजें लिखनी है और कैसे जो पूरा जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर इस पार्ट को खत्म करता हूँ मैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम। अगर पसंद आता हो तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम जो है ये चीज जारी रखें या ना रखें। देखिए प्रीलिम होने के बाद, ठीक है, प्रीलिम हमारा जून में है, आई गेस 3rd of June को हमारा प्रीलिम है, ठीक है, यूपीएससी का। उसके बाद जो है इसको हम प्रॉपर अच्छे से करेंगे, रोज हम एक एक दो दो टॉपर्स के जो है आंसर देखा करेंगे, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं लिख पा रहा हूँ तो मुझे कैसे इंप्रूव करना है, कैसे जो है और अच्छा लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं टीना डाबी ने जो सारी चीजें मेंशन की हो, आप इसे और भी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपको जो है इनसे अच्छा करना है तो, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये चीजें देख के पता चलेगी, देखिए आपको सब कुछ पता था, कोल्ड वॉर के बारे में पता था, दो पावर थी, उसके बाद आपको ये पता था कोल्ड वॉर जो है वर्ल्ड में कैसे कैसे आज भी चल रहा है, कैसे कैसे प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे हैं, चाहे चाइना यूएस का हो,
ठीक है, ट्रेड वॉर हो, सऊदी अरेबिया ईरान का हो, इजराइल ईरान का हो, या इंडिया पाकिस्तान का हो, इंडिया चाइना का हो, चाहे आपका जापान और चाइना का हो, या साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का हो, आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन कैसे उसको तरीके से जो है अरेंज करना है, बस ये आपको समझना होगा। और जब आप क्वेश्चंस देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें सब समझ आएगी, राइट। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।